पहला पत्रस 3 उसका 7 वचन क्या कहता है पत्रस, इसी प्रकार हे पतियों, इसी प्रकार किसी प्रकार जैसे पत्नियां तुम्हारे अधीन थी, जैसे तुम अपने अधिकारियों के अधीन रहते हो, जैसे तुम अपने कार्यस्थल पर अधीनता दिखाते हो, जैसे तुम समाज के अंदर अधीनता दिखाते हो, उसी प्रकार तुम अपने वैवाहिक संबंधों के अंदर भी जो जरूरी क्रम है उसको बना के रखना है। क्या है वो, क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार हे पतियों तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है, वह जीवन के अनुग्रह में से संगी बारिश जानकर उसका आदर करे, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा न पहुंचे। इस एक वचन के अंदर तीन बातें हैं जो पतियों को अपनी पत्नियों के लिए करनी है। हालेलुया। पहली बात क्या है, वो यही है, अपनी पत्नी को समझें। और जब हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसे समझने के लिए क्या करते हैं, समय देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। एक उपयुक्त, एक अच्छा वैवाहिक संबंध में एक अच्छा समय, पति पत्नी का एक अच्छा समय होना जरूरी है। जब तक समय नहीं रहेगा आपसी बातचीत का, आपसी दुख सुख बांटने का, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे। तो समझने के लिए समय देना पड़ता है, समझने के लिए फोकस करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ताकि आप अपनी पत्नी को समझ सके। पहली बात वो बता रहे हैं, अपनी पत्नियों को समझे। तो जितने पति हैं आप लोगों को क्या करना है, वचन कह रहा है अपनी पत्नियों को समझिए, आपको उन्हें समझने की जरूरत है, उनकी कमजोरियों को जानिए। समझेंगे आप, देखेंगे उनकी अंदर की क्या कमजोरियां हैं, वो उनको जानिए। अब ये नहीं है कि कमजोरियां सिर्फ पत्नियों में होती हैं, कमजोरियां पति में भी होती हैं, क्योंकि हम दोनों ही इंसान हैं। इस संसार के अंदर हम रहते हैं जो पाप से भरा हुआ है, कमियां दोनों के अंदर ही हैं। लेकिन वचन हमें बोलता है कमियों के बावजूद हमें आपस में प्रेम करना, पति पत्नी को आपस में क्या करना है, प्रेम। और वो कौन से प्रेम की बात कर रहा, हम आगे जाके देखेंगे। बहुत अच्छे से पौलुस समझाता है, कमजोरियां होने के बावजूद भी आपस में एक अच्छा प्रेम होना चाहिए। आप हन्ना के बारे में सुना आपने, हन्ना किस किस ने सुना है, समुएल की मम्मी, एल्काना उनके हस्बैंड का नाम था, और एल्काना एक बहुत बड़े एक विद्वान एक व्यक्ति थे, बहुत अमीर वो थे। ऐसा लिखा हुआ पहला समुएल 1:5 में कि समुएल तो एल्काना जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। आपको पता है जो हन्ना थी वो एक बांझ स्त्री थी, क्या थी, एक बांझ स्त्री थी, उसके जीवन में कुछ कमी थी, लेकिन उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात यहां पर लिखा है कि एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था। उस समय में दो दो शादियां करते थे, एल्काना की दो पत्नियां थी, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है एल्काना उससे उतना, मतलब सबसे ज्यादा प्रेम वो हन्ना से करता था, दूसरी पत्नी के बच्चे थे, लेकिन ज्यादा प्रेम वो इससे करता था। कितनी सुंदर बात है, है ना, जब छोटी छोटी कमियों को देखते हुए हमारे पति पत्नी की आपसी प्रेम में कमी आ जाती है। एक आत्मिक परिवार ऐसा कभी नहीं होता, मसीही परिवार में एक परमेश्वर का एक उद्देश्य, एक मकसद नहीं है, उस मकसद को, उस उद्देश्य को उस परिवार से पूरा होना है। जब आपस में पति पत्नी के अंदर प्रेम नहीं होगा, वो मकसद कभी पूरा नहीं होगा, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आप लोगों को जोड़ा है, जो मकसद शादी के द्वारा इस संसार के अंदर पूरा होगा। क्षमाशीलता और सहनशीलता का होना जरूरी है। समझने का मतलब यही है, समझिए, जानिए, रिलेशनशिप में सहनशीलता और क्षमाशीलता होना जरूरी है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि जब छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो उनके कारण आप हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों बात नहीं करते। आप शैतान को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में बुलावा दे रहे हैं।
और ऐसा करने से चीजें सही नहीं होगी। कई बार पत्नियां सोचती हैं थोड़ा सा रूठ जाती हूं मैं, पति फिर मना लेगा। ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात है मना लेना चाहिए कई बार पत्नियों को। कई बार पति ऐसा सोचता है कि नहीं इसने मेरे मतलब ईगो हर्ट हो जाता है कई बार आदमियों का, मेरे को इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं पति हूं भाई, मेरे पास अधिकार है पति होने का। आत्मिक रीति से जो अधिकार अगुआपन कैसा दिखता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कई बार पुरुष लोग अगुएपन को एक संसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वो संसारिक दृष्टिकोण से ऐसा ही दिखता है अगुआपन, मेरे को ये ऐसा बोल कैसे सकती है, इसकी हिम्मत कैसी होगी मुझे बोलने। लेकिन आत्मिक अगुआपन, ईश्वरीय अगुआपन ऐसा नहीं होता, आगे हम देखेंगे। तो सहनशीलता और क्षमाशीलता होनी चाहिए, माफ करना सीखिए, हमारे रिलेशनशिप के अंदर ये चीज होनी चाहिए, क्षमा कीजिए, आपका गुस्सा बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। और सहनशीलता ये भी है, इस चीज की भी होनी चाहिए कि जब आपकी गलती आपकी पत्नी आपको बताती सुनिए उसे और गौर कीजिए, ये जो बात बोल रही है क्या ये ऐसे ही है, उसके ऊपर गौर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रही है माफी मांगिए, पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, अगर गलती है तो माफी मांगिए। और वही बात पत्नियों के लिए भी, क्योंकि दोनों को बराबर चलना है। अगर आपका पति आपको बता रहा है कि आपकी ये गलती है, उस बात के ऊपर भड़कने की बजाय चिल्लाने की बजाय गौर कीजिए कि ये बात जो मुझे कही गई है क्या ये बात ऐसी ही है, क्या ये ऐसे ही है। अगर कुछ गलत फहमी है तो प्लीज उसको क्लियर कीजिए, अगर सच में गलती है तो मानिए और माफी मांगिए, तब एक परिवार एक सही समानता में एक सही रीति से आगे बढ़ता है। रिलेशनशिप के अंदर, वैवाहिक संबंधों के अंदर क्षमाशीलता और सहनशीलता होनी चाहिए। कई बार हमें कुछ चीजों को सहन भी करना पड़ता है। हालेलुया, जानिए अपनी पत्नी के बारे में, समझिए उसके क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है वो कीजिए उसके लिए जो उसे अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी पत्नियों के कुछ अरमान होते हैं, कुछ बेचारी बोलती नहीं है क्योंकि उनको बोलने का अधिकार दिया ही नहीं गया है, या फिर परिवार के अंदर माहौल ही ऐसा है कि वो बोल ही नहीं सकती है, क्या पता नहीं क्या वो मुझे बोल देगा। मैंने देखा है पत्नियां डरती है, मतलब अपने हक की बात करने से भी डरती है अपने पति के सामने। एक आत्मिक परिवार में, एक मसीही परिवार में ऐसा माहौल कभी नहीं होना चाहिए कि एक पत्नी अपनी बात कहने के लिए अपने पति से डरे। एक खुलापन रिश्ते के अंदर होना चाहिए कि आप आपस में बातचीत करके अपने जीवन में आप आगे बढ़ सके, खुलापन होना चाहिए। खुलापन यही है, आपकी पति की गलती पत्नी बताए, पत्नी की गलती पति बताए और स्वीकार करे, सहनशीलता के साथ में क्षमाशीलता के साथ में आगे बढ़े। क्या अच्छा लगता है वो जाने, और उनके लिए पतियों आप लोगों को करना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजें होती है जो रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाती है, छोटी छोटी चीजें। हालेलुया, छोटी छोटी चीजें होती है वो करना चाहिए, और उसमें बहुत कुछ नहीं लगता है। कभी कभी जाना चाहिए, घूमने चले गए, आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं। एक पत्नी अपने पति को कई, हमारे पास्टर जी मुझे समझाते थे कई बातों को लेकर, तो सपना भाभी भैया को बोलती थी कि यार चाय पिलाने के लिए ले चलो कम से कम, जब बाहर नहीं जा पाते थे थोड़ा सा उनको लगता था कि बात करने की जरूरत है। आप वो होता है एक अंदर से वो चीज निकल के आती है कि हमें बैठना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। बहुत बिजी रहते हैं, कई लोग डबल ड्यूटी करते हैं, बहुत लोग बिजी रहते हैं, लेकिन वो समय बिल्कुल होना चाहिए जब आप और आपकी पत्नी बैठे हैं और आप लोग बातचीत कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आत्मिक जीवन को लेकर, योजनाओं को लेकर। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बैठ के आपको बातचीत करनी चाहिए। जाइए कभी कभी चाय पीने बाहर चले जाएंगे, कभी कभी आइसक्रीम खाने बाहर चले जाएंगे, KFC भी बहुत सारे आसपास में, जाना चाहिए। अच्छा क्या लगता है वो करने की कोशिश करें, रिलेशनशिप के अंदर एक सुंदरता आएगी। हालेलुया,
उनकी खूबियों को जानिए, अपनी पत्नी के अंदर की खूबी क्या है, खूबियों को जानिए और उसे सराहिए। सराही उससे क्या, उसको क्या पता चलता है, उसको पता चलता है कि मेरा पति मेरे साथ में है, वो मेरा साथ दे रहा है। सराहना, जब हम छोटे छोटे की चीजों की सराहना करते हैं, सराहना करना सीखिए, अच्छी बात है। खाना किसी दिन थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, ये क्या बेकार क्या गंदा खाना बनाया है, इस प्रकार की भावना अंदर से आती है एकदम से, है ना। लेकिन छोटी छोटी चीजें रिश्तों को खराब भी करती है, इसलिए हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि उसे क्या बुरा लगता है। कुछ शब्द, कुछ हमारा व्यवहार में कुछ चीजें ऐसी होती है जो पत्नियों को शायद अच्छी नहीं लगती। हम इस चीज को नोट करना चाहिए कि अगर उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती मेरे एटीट्यूड में, मेरे व्यवहार में, तो मुझे नहीं करनी है। क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं, आप सुंदर बना के रखना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी पत्नी को आपके जीवन से, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में कौन सी वो चीज है जो उसे अच्छी नहीं लगती, उस चीज को नोट कीजिए। हालेलुया, हौसला अफजाई करें और उनका सहयोग करें जो वो करना चाहती है, उनका हौसला अफजाई कीजिए और उनको हिम्मत दीजिए। हालेलुया, उनके साथ में खड़े हो जाइए, वो कुछ करना चाहिए, उनको कुछ सीखना है, हौसला अफजाई कीजिए, सीखने दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो एक रिलेशनशिप के अंदर की सुंदरता को बढ़ा देती है। इन सब चीजों को, पतियों को आपको ध्यान रखना है। इसी का मतलब है अपने पत्नी को समझना, यही वो बातें हैं जो पत्नी को समझने के बारे में यहाँ पर हो रही है। अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, अपनी पत्नी के साथ में भेदभाव नहीं करना है, कभी भी भेदभाव ना करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है, वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिश जानकर उसका आदर कीजिए। जीवन की अनुग्रह में से संगी वारिश है, ये बात उसने यहां पर ऐड क्यों की, कहीं ना कहीं शायद भेदभाव वहां पर हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहते थे वो रोमी समाज था और रोमी लोग अपनी पत्नियों के साथ में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उन्हीं के बीच में काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर बहुत था, कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नियों को शायद नीचा दर्जा देकर वो सोच रहे होंगे, चल रहे होंगे, इसलिए इस बात को उसने ऐड किया कि भैया वो आपसे कम नहीं है, जिस अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हो वही अनुग्रह पत्नी ने भी पाया है। आशीषें जो परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर ने उस बात में उनके साथ पक्षपात नहीं किया। जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी, पुरुष को दी, वही महिला को भी दी है, दोनों को बराबर दी है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, हम क्यों करते हैं, पति लोग कई बार करते हैं, क्यों करते हैं। भेदभाव मत कीजिए, कभी भी भेदभाव नहीं करना उनके साथ में। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले अध्याय के अंदर, पति के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को समान अपने स्वरूप में बनाया है, एक दर्जा दिया है, समान स्वरूप में बनाया है, ऊंचा नीचा करके नहीं बनाया। लेकिन हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधानता वाला समाज है और कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है प्रधानता वाले, और जब प्रधानता वाली बात आती है तब भेदभाव होता है, तब भेदभाव होता है। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को इस संसार के दृष्टिकोण से मत देखिए। जो वैवाहिक संबंध का मतलब जो इस संसार के अंदर पाया जाता है, सच में वैवाहिक संबंध वैसा नहीं होता है। परमेश्वर ने इसको स्थापित किया है और हमें अपने वैवाहिक संबंध को आत्मिक दृष्टिकोण से, ईश्वरीय दृष्टिकोण से हमें देखना है, तब आपको समझ में आएगा। आपको अपने परिवार का अगुआ करके ठहराया गया है पति को, लेकिन उस अगुएपन की भावना क्या है, वो अगुआपन कैसा अगुआपन है, वो आप तब समझ पाएंगे जब आप प्रभु के वचन के अंदर विवाह के बारे में लिखी हुई बातों को आप पढ़ेंगे, जब अपने विवाह को आप ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो समान दर्जा उसे मिला है, वो आपको जो अनुग्रह मिला है, हालेलुया, वो उसको भी मिला है, वो अनुग्रह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिश है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हम क्यों करते जब परमेश्वर ने नहीं किया,
हालेलुया। उस समय होता था और आज भी सामान्य बात है, ये आज भी सामान्य बात है। कोई चीजें कल्चर के साथ में जुड़ी हुई है, हमें करनी चाहिए कुछ चीजें जो जायज है, जो प्रभु का वचन हमें अलाव करता, हमें करनी चाहिए कल्चर से जुड़ी हुई कुछ चीजें। लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा अलग लेवल की हो जाती है, पत्नियों के अधिकार खत्म हो जाते हैं, उनको ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं दिया जाता, उनके हक की बात कहने तक नहीं दी जाती, इतना परंपराओं में उनको बांध दिया जाता है। अगर पति इधर बैठा है तो उसके सामने खाना भी नहीं खाना है, इधर पीठ घुमा के खाना खाना है। ये परंपरा है हमारे देश के अंदर, ये कैसी परंपरा है कि मतलब पति पत्नी साथ में मिलकर खाना भी नहीं खा सकते। इस प्रकार की चीजों को, परंपराओं के अंतर्गत अपने वैवाहिक जीवन को मत रखिए। हरियाणा में ये चीजें बहुत देखने को मिलती है। जब कुछ काम करना होता है, कुछ फैसला लेना होता है, वो फैसला परिवार को लेकर ही है, घर को लेकर ही है, लेकिन डिसाइड खुद पति करेगा, पत्नी की कोई जरूरत नहीं वहां पे। मुझे पता है क्या करना है, मैं कर लूंगा, लेकिन पत्नी की सलाह उसमें नहीं लगती। ये भेदभाव है और ऐसा होता है, आज भी होता है। पत्नी पूछेगी क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब, जो करूंगा सही करूंगा ना, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। अरे भाई, तुम उसके लिए कर रहे, अच्छी बात है, एक बार पूछ तो ले उससे, शामिल तो करो उसको, लेकिन पूछताछ नहीं होती है, अपनी मर्जी से काम करना होता है। वैवाहिक संबंध में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सच में वैवाहिक जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण समाज के अंदर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब कुछ काम करते हैं, बातचीत कीजिए आपस में, मिलके एक काम को कीजिए, दोनों मिलके जब एक काम को अंजाम दिया जाता है तो वहां पर दो बुद्धि काम करती है, एक से भले दो, वचन भी कहता है कि नहीं। जब दो मिलके काम करते हैं वहां पर दो लोगों का दिमाग काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही, मेहनत काम कर रही, प्रार्थना काम कर रही है, तो दो मिलके करेंगे वो काम अच्छा होगा या एक अकेला व्यक्ति करेगा वो अच्छा होगा? दोनों मिलके करेंगे, जो भी काम करना, जो भी फैसले करने हैं, आपको जमीन खरीदनी है, आपको घर बनाना है, आपको ज्वेलरी बनानी है, बच्चों की शादी करनी है, कुछ भी करना है, सब चीजों में अपनी पत्नी को अपने साथ में लेके चलिए। यादें से प्रभु के वचन के द्वारा पतियों के लिए भेदभाव मत कीजिए, किसी कमी को कारण भी उनके साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसे कि अलकाना के जीवन से हमने सीखा। तो भेदभाव ना करें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, अपनी पत्नी का आदर कीजिए। क्या कीजिए? आदर कीजिए। आज भी कई जगहों पर ये कल्चर है, पत्नी सुबह उठती है, पति के पैर छूती है, कई बार देखने में अच्छा भी लगता है ना, अच्छी बात है, कुछ चीजें कल्चर के अंदर जो होती है करनी चाहिए। लेकिन पतियों का जो योगदान होना चाहिए वो भी पतियों को पूरा करना है। उससे तो आप आदर ले रहे हो, लेकिन क्या आप उसका आदर कर भी रहे? हमें अपनी पत्नियों का आदर करना, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी पत्नी की। वचन के अंदर से बता रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है, इसी प्रकार है पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है, वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वाले जानकर उसका आदर करें। क्या करें? आदर करें। निर्बल पात्र जानकर उसके साथ व्यवहार करें क्योंकि वह स्त्री है। निर्बल पात्र का मतलब ये नहीं कि स्त्री कमजोर है, यहाँ पर कम वैसी कम किसी रीति से दर्जे की बात नहीं हो रही है, ये ऐसे बोलते हैं कि ये शारीरिक ताकत के बारे में बात हो रही है, लेकिन आजकल शारीरिक सामर्थ्य से भी महिलाएं बहुत आगे हो रही है ना, वेट लिफ्टिंग करती है महिलाएं। उस समय पता नहीं कैसे वहां पर इस बात को है, लेकिन कई मामलों में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से शारीरिक रीति से कमजोर पाई जाती है कि नहीं? तो इस बारे में वहां पर बात करें। तीसरी बात के ऊपर बात करते हैं, अपनी पत्नी का आदर करना है पतियों को। कितने पति हैं बोलिए, मैं अपनी पत्नी का आदर करूंगा, बोलिए प्लीज, मैं अपनी पत्नी का आदर करूंगा। पत्नी हाथ उठाइए, बोलिए मैं अपने पति का आदर करूंगी। हालेलुया। जब आपस में ऐसा प्रेम हो, जो हमने बातें की है पतियों को जो योगदान निभाना है वो
पति निभाए, पत्नी के लिए जो उत्तरदायित्व निभाए। जब आपस में ये सारी बातें एक रिलेशनशिप के अंदर होंगी, ऐसा मजबूत संबंध अगर होगा तो पत्नियों को कभी भी अधीनता में रहने में दिक्कत कभी नहीं होगी। कई बार दिक्कतें आती हैं अधीनता ना दिखाने की, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है पुरुषों के अंदर भी, जिसके कारण महिलाओं का व्यवहार थोड़ा सा अलग हो जाता है। चीजों को समझना चाहिए, चीजों को पे गौर करना चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हमें अपने अंदर से निकालना है ताकि हमारा वैवाहिक संबंध अच्छा रह सके। आदर करें अपनी पत्नी का, भद्दे शब्दों का उपयोग मत कीजिए। कई बार हम कुछ लोगों सच में गालियां भी देते हैं, यहां पर बैठे हैं बिल्कुल एंजल बन के, स्वर्गदूत बन के, हालेलुया, स्तुति प्रशंसा, हाथ उठा के गीत भी गाए, गाने भी गाए, लेकिन अपनी पत्नियों को गालियां देते हैं। कहां से मस्ती है यहां? अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, उसको आदर नहीं दे सकते, प्रभु को जिसे जो आपको दिखता भी नहीं है उसको आप कैसे आदर दोगे, कैसे आप उससे प्रेम कर सकते हैं? गालियां देते कितनी, मतलब क्या ही वो समाज के अंदर क्या ही उदाहरण वो पति बनेगा। ऐसा प्लीज मत कीजिए, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अब भद्दे शब्दों का मतलब सिर्फ गाली भी नहीं होता, अलग कुछ चीजें भी होती हैं। कई बार पति लोग अपनी पत्नियों की तुलना करते हैं दूसरी महिलाओं के साथ में, देखा तुमने शर्मा जी की वाइफ को, कुछ सीख उससे, तुलना करते हैं। गलत बात है, कभी भी तुलना मत कीजिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं अलग अलग हैं, सबका अपना अपना अलग पर्सनैलिटी है, अलग व्यक्तित्व है, तो कभी भी किसी के साथ में अपनी पत्नी को तुलना मत कीजिए। सेम बात महिलाओं के लिए भी है, अपने पतियों की तुलना किसी के साथ में मत कीजिए। कभी भी किसी भी चीज में मत कीजिए तुलना। ताने मत मारिए, ताने मारने की भी आदत होती ना, बीच बीच में ताने मारते रहते किसी कुछ चीज को लेकर, ताने मत मारिए। देखो वो कितना इतने अच्छे से कर लेती है, तुमसे क्यों नहीं होता। हर एक की अपनी क्षमता है, हर एक के अंदर अपनी एक क्षमता होती है, और जिसके अंदर जितनी क्षमता है वो उतना ही चीजों को कर सकता है। तो कभी भी तुलना मत कीजिए अपनी पत्नी को लेकर दूसरों के साथ में, ये मतलब होता है आदर करने का। हालेलुया, उसे नीचा मत दिखाइए किसी भी रीति से। कुछ लोगों की आदत होती है अपने पत्नियों को ना लोगों के बीच में ही आंख दिखाने लगते हैं, आंख दिखाने लगते हैं, डराने लगते हैं, कुछ भी बोला है तो उसको ऐसे करके एकदम देखेंगे, और पत्नी समझ जाए कि बेचारी इसी वक्त अपना, अच्छी पत्नी होती है तो वो अपना मुंह घुमा लेगी, वरना जवाब देने वाले भी होती है, होती है भाई, सही बोल रहा हूं मैं। नीचा कभी मत दिखाइए लोगों के बीच में, कभी भी किसी बात को लेकर मत लड़िए। अगर आपके कुछ मतभेद है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको बात करनी है, तब बात कीजिए जब आप घर पे हो, अकेले दोनों बैठिए और उस बात के ऊपर बातचीत कीजिए। लोगों के बीच में एक दूसरे की बेइज्जती कभी भी ना करें, और ऐसा होता है अक्सर, तुझे क्या पता, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तुझे क्या पता, और पति बोलता है मैंने दुनिया देखी है, तू क्या है, ऐसी ये सब ये बिल्कुल ही गवारों वाले शब्द है। कभी भी ऐसा चीजों को अपने वैवाहिक संबंध में ना लेके आए, आदर करना ही अपनी पत्नी का, आदर कीजिए। और जैसा आप करेंगे सच में, आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं ना कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मेरे बच्चे को कैसी पत्नी मिले, बहुत सुंदर सी हो, जो सब बातों को मानती हो, सास के पैर भी दबाए, ससुर को खाना भी खिलाए, हम दर्शन ये विजन ये इमेजिनेशन करते हैं ना, अच्छी बात है, ऐसा ही परिवार होना भी चाहिए। लेकिन आपने अपना परिवार तो ऐसा बनाया नहीं, अपने बच्चे के लिए आप ऐसे परिवार की योजना बना रहे, आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अपने वैवाहिक संबंध को अच्छा बनाइए, आपके बच्चे आपके वैवाहिक संबंध से वैवाहिक संबंध के महत्व को सीखेंगे, और फिर उनका जीवन एक अच्छा जीवन, एक अच्छा वैवाहिक जीवन होगा। अपने जीवन को अच्छा, अपने वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाए ताकि बच्चे देखें और सीखें
और आगे जाकर अपने जीवन में नादानियां ना करें, गंभीरता के साथ अपने जीवन में वो आगे बढ़े, एक सुंदर परिवार उनका बन नहीं पाए। हम योजना बनाते, बहुत सोचते हैं ऐसा होगा मेरे बच्चे का ऐसा, लेकिन आप याद रखिए, अगर आपने अपने वैवाहिक संबंधों को अच्छा नहीं रखा, आपके बच्चे देख रहे सीख रहे, जैसा परिवार आपका है वैसा ही परिवार उनका भी होगा। एक एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो एक वायरल हो रही थी, जिसमें कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे, महिला पुरुष कई सारे बैठे बातचीत कर रहे, और एक बच्चा आता है और एक छोटी बच्ची भी उसके साथ में थी, 5-6 साल के होंगे। दोनों आते हैं और बोलते हैं, पापा मैंने शादी कर ली। तो मम्मी पापा और जो उनके दोस्त बैठे हुए थे हंसने लगते हैं, अच्छा शादी हो गई, अब क्या करोगे? अब मैं रोज सुबह उठ के तैयार होऊंगा और ये मेरी पत्नी मुझे खाना देगी और मैं खाना लेके ऑफिस में जाऊंगा और मैं शाम को आऊंगा, मेरी पत्नी भाग के मेरा बैग लेगी, मेरा लंच बॉक्स लेगी, मेरे जूते निकालेगी, मैं बैठूंगा और मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लेके आएगी। फिर उसका पापा बोलता, अच्छा उसके बाद क्या? बोला, उसके बाद फिर मैं अपनी पत्नी को मारूंगा, मैं पीटूंगा। वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसके घर में उसने वो चीज देखी थी, इसलिए उसने वो बातें बोली। ये मजाक नहीं है, लेकिन एक ये सच में एक सच्ची बात है, जो बच्चे देख रहे हैं वैसा ही उनका भविष्य होगा, वैसा ही उनका जीवन होगा। वो बच्चे ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उसके पापा उसके मम्मी को मारते थे और उसने देखा और उसने सीखा, बस वैवाहिक संबंध ऐसे ही होते हैं शायद, वैवाहिक जीवन में ये चीजें जायज है कि मैं मारूंगा अपनी पत्नी को, छोटा सा है, लेकिन उसने उन बातों को ऑब्जर्व किया, बच्चे करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के जीवन, वैवाहिक जीवन की चिंता, अगर आप सच में चिंता करते हैं, तो अपने वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाएंगे। तो बच्चों के भविष्य की तैयारी में पति पत्नी के संबंधों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा है, अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं है तो सच में वो असर दिखाई देगा। और आदर करने वाले पॉइंट के अंतर्गत एक जो लास्ट बात है वो है, अपनी पत्नी की सुनिए, सुनना सीखिए। पुरुषों के लिए थोड़ा सा टफ होता है कई बार सुनना, पता नहीं क्यों, शायद सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, मैं भी पुरुष हूँ, बुरा नहीं मानना, इंसान करना ठीक है बात में। होता है कई बार, कई परिवार, शायद सब परिवार में नहीं होता, लेकिन सुनने की आदत नहीं होती। सुनने की आदत डालिए, सुनना सीखिए, जरूरी है। कई बार आपको इस बात के कारण पश्चाताप होता है बाद में, क्योंकि आपने अपनी पत्नी की बात ढंग से नहीं सुनी, उसने कुछ बोलना चाहा उससे पहले ही उसके ऊपर टूट पड़े, शब्दों की बौछार उसके ऊपर कर दी, है ना, उसको पूरी तरह उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन वो जब बाद में अपनी बात को कंप्लीट करती है, उसको पता चलता है, अच्छा ये बात ऐसी थी, फिर पछतावा होता है, अरे यार मैंने बात तो सुना तो ही नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें इतना सारे बातें बोल दी, और इतने टाइम में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, उतने टाइम में शैतान अपना काम कर देता है। सुनना सीखिए, बैठिए और ध्यान से सुनिए। पत्नी, हम महिलाओं के अंदर ये भावना होती है कि उनकी कोई सुनने वाला हो, तो पत्नियों को सुनना चाहिए, यही है पत्नी का आदर करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद है कि आप लोग इस चीजों को अपने जीवन में करेंगे। इफिसियों 5:25 में पौलुस सिखाता है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहे और पति अपनी पत्नियों से प्रेम करे। पौलुस इफिसियों 5 अध्याय में सिखाता है पतियों को कि अपनी पत्नी से प्रेम करे, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। हालेलुया। और जब पौलुस इस यहां पर लिख रहा है, यूनानी में प्रेम के लिए 4 शब्द हैं, एरोस, स्टोर्गे, फिलिया, ये 3 शब्द हैं, और चौथा शब्द है अगापे। हालेलुया, अगापे। लेकिन पौलुस यहां पर अगापे शब्द इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कलीसिया से प्रेम किया वो प्रेम अगापे प्रेम है, और पौलुस पतियों को ये आदेश देता है कि तुम अपनी पत्नियों से अगापे प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? अगापे प्रेम करो। प्रेम के लिए
बाकी तीन शब्द में इस्तेमाल नहीं किए, एरोस, स्टोरगे, फिलिया, ये प्रेम शब्द इस्तेमाल नहीं, ये भी प्रेम को दर्शाते हैं, अलग अलग प्रेम की भावना इनके अंदर नहीं थे, लेकिन पौलुस अगापे प्रेम को, अगापे शब्द को प्रेम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, क्योंकि मसीह ने, पौलुस कहता है ना, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करें, तो मसीह ने जो कलीसिया से प्रेम किया वो है अगापे प्रेम। कौन सा प्रेम है? हाँ, अपनी पत्नियों से हमें अगापे प्रेम करना है। अगापे प्रेम का मतलब क्या है? अगापे प्रेम वो प्रेम है जो बदलता नहीं, वो अपरिवर्तनीय प्रेम है। अगापे प्रेम अपरिवर्तनीय प्रेम है जो बदलता नहीं है। पति पत्नी के बीच में अगर कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है, अगर वो उनके प्रेम में अगापे प्रेम की भावना है, तो उनका प्रेम कभी परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा नहीं। कुछ समय बाद चीजें सही होगी, फिर से वो वैसा ही प्रेम उनके बीच में स्थापित होगा। ये ही अगापे प्रेम, वो अपरिवर्तनीय प्रेम है। प्रेम को प्रेम बदलता नहीं, अगापे प्रेम बदलता नहीं। ऐसा प्रेम पत्नियों से, अपने पत्नियों से पतियों को करना है। और क्या मतलब है? अगापे प्रेम में खुद को समर्पित करने की भावना होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने खुद को समर्पित कर दिया। कितना समर्पित कर दिया? कि उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, उसने अपना लहू बहा दिया। ये उसकी समर्पण की गहराई है। अगापे प्रेम में खुद को समर्पण करने की भावना नहीं थे। हालेलुया, हमें खुद को समर्पित करना है अपनी पत्नियों से प्रेम करने के लिए। हालेलुया, अगापे प्रेम वो प्रेम है जो बिना किसी मांग के किया जाता, वो डिमांडिंग नहीं होता। अगापे प्रेम में डिमांड नहीं होती, बिना डिमांड के वो प्रेम, बिना मांग के किया जाने वाला प्रेम है। हालेलुया, मसीह ने क्या हमसे मांग की, डिमांड की? उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने हमारे लिए जान दी, वो हमारे लिए मरा, उसने हमें विश्वास करने की आत्मा दी, उसने हमें अनुग्रह दिया, उसने किसी चीज की डिमांड नहीं की, मांग नहीं की। आप बोला विश्वास करना, विश्वास करने का आत्मा भी उसी की तरफ से हमें मिलता है। हालेलुया, तो अगापे प्रेम बिना किसी मांग के किया जाने वाला प्रेम ही, ऐसा प्रेम पतियों का अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। हालेलुया, अगापे प्रेम उससे भी किया जा सकता है जो प्रेम करने के लायक भी नहीं है, जो हमारे प्रेम को पाने के योग्य भी नहीं है। अगापे प्रेम उससे भी किया जा सकता है। अगापे प्रेम उस प्रकार का प्रेम, हालेलुया, मसीह ने हमसे अगापे प्रेम किया है। वचन कहता है तुम तो भेड़ों के समान भटके हुए थे और परमेश्वर के क्रोध पाने के योग्य तुम थे। तुम ऐसे थे कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का क्रोध आना चाहिए था, तुम्हें नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने हमसे अगापे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? उसने हमसे अगापे प्रेम किया। हम लायक नहीं थे, फिर भी उसने प्रेम किया। अगापे प्रेम उससे भी किया जा सकता है जो हमारे प्रेम को पाने के लायक नहीं है। हालेलुया, ये प्रेम पतियों के अंदर अपनी पत्नियों के प्रति होना चाहिए। अगापे प्रेम तिरस्कार के बाद भी नहीं बदलता। अगापे प्रेम जो मसीह ने कलीसिया से किया वो कैसा प्रेम है? वो तिरस्कार के बाद भी नहीं बदलता। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, उसे नंगा कर रहे थे, क्रूस पर से चढ़ा रहे थे, प्रभु ने क्या कहा? हे प्रभु, ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर, इन्हें क्षमा कर। इसराइल के बीच में, चुने हुए लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उसका तिरस्कार किया। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, अगापे प्रेम तिरस्कार के बाद भी नहीं बदलता। हालेलुया, ऐसा प्रेम पतियों के अंदर होना चाहिए अपनी पत्नियों के लिए, और पत्नियों के अंदर भी अपने पतियों के। जितनी बातें पतियों के लिए कह रहा हूं उतनी पत्नियों के लिए भी। तो ऐसा मत सोचना कि तुम पतियों को सब कुछ करना है, दोनों को सब चीजों को लेके चलना है।
हालेलुया। अगापी प्रेम त्याग के साथ किया जाने वाला प्रेम है, त्याग के साथ, बलिदान के साथ किया जाने वाला प्रेम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को त्याग दिया, अपने अधिकारों को त्याग दिया, एक नम्र एक मनुष्य बन गया। राजा होते हुए अपने आप को उसने राजा नहीं समझा, उसने बलिदान किया, और बलिदान की सीमा क्या थी? अपने जीवन को बलिदान। अगापे प्रेम बलिदान के साथ, त्याग के साथ किया जाने वाला प्रेम है। पतियों, कई बारी हमें ऐसा करना पड़ेगा, कई चीजों में हमें त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने वैवाहिक संबंध को सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, हम ईश्वर दृष्टिकोण से अपने परिवार को चलाना चाहते हैं। हालेलुया। ये है अगापे प्रेम जो पौलुस इफिसियों 5:25 में इस्तेमाल करता है, बोलता है। हालेलुया। मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया, वो स्वयं के लिए उसने, कलीसिया के लिए उसने खुद को, स्वयं को उसने दे दिया। इसमें क्या शामिल था? आइए हम फिलिप्पियों 2:5-8 में हम पढ़ते हैं। अब ये वचन आप जब पढ़ेंगे, आप अधिकार की भावना को, अधिकार अगुआपन, ईश्वरीय अगुआपन कैसा होना चाहिए? पतियों को परमेश्वर ने परिवार के ऊपर एक लीडर ठहराया है, एक अगुआ ठहराया है, प्रधान ठहराया है। लेकिन ये लीडरशिप, ये अगुआपन, ये प्रधानता कैसी प्रधानता है, इस वचन के द्वारा हम सीख पाएंगे। फिलिप्पियों 2:5-8, अपने में वही स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था। कौन सा स्वभाव? जो यीशु मसीह में था, वही स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु नहीं समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो राजा है, लेकिन जिस संसार के अंदर वो आया, उसने अपने आप को एक राजा की तरह पेश नहीं किया। उसने अपने आप को उस अधिकार के साथ में इस संसार के अंदर अपनी दोष नहीं दिखाई। क्या किया उसने अपने आप को? उसने आपको अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। राजा अपने आप को शून्य कर देता है। प्रधानता की जो भावना है वो यहां से हम लोग सीख सकते हैं। यह विशेष रूप से उन पतियों के लिए आवश्यक है जो ईश्वरीय समझ के बजाय संसारिक समझ के साथ अधीनता को देखते हैं। अधीनता, अगुआपन, मैं अगुआ हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं प्रधान हूं अपने परिवार के ऊपर। और जब वो अपने आप को, अपनी जो प्रधानता है उसको संसारिक दृष्टिकोण से देखता है, वो भी हम यहां पर सीखेंगे, और जो एक ईश्वरीय दृष्टिकोण के साथ अगुआपन कैसा होता है वो भी हम यहां पर देखेंगे। वचन ने हमें सिखाया है कि हमारे अंदर वो स्वभाव हो जो यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह हमारा राजा है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? अपने आप को शून्य कर दिया, उसने अपने आप को नम्र कर दिया। आप, वो हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु हमारे लिए, हमारे संसार में वो नम्र हो गया, अपने आप को उसने दीन कर दिया। उसी प्रकार आप अपने परिवार के ऊपर अधिकारी हैं, प्रधान ठहराए गए हैं। आपको भी क्या करना है? जो मसीह का स्वभाव है वो पतियों के अंदर होना चाहिए। अपने आप को नम्र कीजिए। हालेलुया। संसारिक जो अगुआपन कैसा दिखता है, संसारिक जो अगुआपन है, जब एक पति ये बोलता है मैं अगुआ हूं घर का, और वो संसारिक दृष्टिकोण से इन चीजों को लेकर आता है, कैसा दिखता है? वो कहता है मैं मुखिया हूं। मैं क्या हूं? मैं मुखिया हूं, मैं अगुआ हूं, और इसलिए तुम मुझसे आदेश ले आकर, और जो मैं तुझसे कहूं तुझे वही करना होगा। ये है संसारिक दृष्टिकोण अगुएपन को लेकर। मैं लीडर हूं, तू मेरी पत्नी, तुझे अधीन रहना है मेरे, और याद रखना जो मैं तुझसे कहूं वही करना तेरे को, और मेरे से ऑर्डर लिया कर तू। ये संसारिक दृष्टिकोण है अगुएपन का। ईश्वरीय दृष्टिकोण क्या है अगुएपन का? जब आप अगुए हैं अपने परिवार के ऊपर, आपकी अगुवाई, आपका प्रधानता आपके परिवार के अंदर
कैसी होनी चाहिए। ईश्वरीय अगुवापन कहता है मैं तुम्हारा मुखिया हूं, मैं तुम्हारा अगुआ हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए और तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय दृष्टिकोण अगुवापन का, कि मैं तुम्हारा अगुआ हूं, मैं अपने परिवार अपनी पत्नी के ऊपर मैं अधिकारी हूं, प्रधान हूं, लेकिन मेरा फर्ज यह है कि मैं एक अधिकारी प्रधान होने के नाते मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा, अपने परिवार की क्या करूंगा, सेवा करूंगा, क्या करूंगा, सेवा करूंगा। ईश्वरीय अगुवेपन का दृष्टिकोण ये है। ईश्वरीय नजरिए से अगर हम पति होने के अधिकार को देखेंगे वो ऐसा दिखेगा कि मैं अधिकारी ठहराया गया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा और अपने परिवार की सेवा करूंगा। संसारिक अगुवापन कहता है तुम्हें मेरे प्रति समर्पण करना होगा, इसलिए यहां वे चीजें हैं जो मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए करो। ये संसारिक दृष्टिकोण है अगुवापन का। संसारिक अगुवा क्या बोलता है अपनी पत्नी, संसारिक वजह से देखे सब तुम मेरे लिए सब कुछ करो, मुझे नहीं करना, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अधिकारी हूं, तुम मेरे लिए सब कुछ करो। ये संसारिक दृष्टिकोण है। ईश्वरीय दृष्टिकोण से पारिवारिक अगुवाई कैसे की जाती है, अगुवापन क्या होता है? पति बोलता है तुम्हें मेरे अधीन होना है इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें मेरे अधीन होना है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ईश्वर के समक्ष जवाबदेह हूं। पत्नी को तुम मेरे अधीन होना है क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति परमेश्वर के सम्मुख जवाबदेह हूं, मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए और आपकी सेवा करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय दृष्टिकोण अगुवेपन को लेकर। तो हमारे अंदर हालांकि पतियों को उसने अधिकारी ठहराया, अगुआ ठहराया है, इस अधिकार को, इस अगुवेपन को आप ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखिए, आपके परिवार के अंदर प्रभु की महिमा होगी। संसारिक दृष्टिकोण से इस अगुवेपन को मत लीजिए, वरना आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा और आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी परिवार की। तो छोड़िए, हमारे वैवाहिक संबंध के साथ एक बहुत बड़ी योजना जुड़ी हुई है, उसे हमें पूरा करना है। जब आप इंग्लिश में जब अधीनता की बात पत्नियों को कही जाती है कि तुम अपने अपने पति के अधीन हो जाओ, वहां पर एक शब्द आया है इंग्लिश में, सबमिशन। क्या आया है? सबमिशन। क्या आया है? सबमिशन। हमारे वैवाहिक संबंध के साथ एक मिशन जुड़ा हुआ है जिसे हमें पूरा करना है। और वो मिशन क्या है? वो मिशन ये है कि हमारे वैवाहिक संबंधों के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस संसार के अंदर होनी है। हालेलुया, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे वैवाहिक संबंधों के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस संसार के अंदर होनी है। हमारे वैवाहिक संबंध के साथ मिशन जुड़ा हुआ है। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख कि हमारा परिवार सच में ऐसा हो